श्रोताओं, आज की पहेली लिए हमने श्रीमान गजराज सिंह चौधरी शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं। इनकी पहेली इस प्रकार है, बाप को बहन ब्याही, बेटा को बिटिया, और नाती के विवाह में मच गई लुटिया। बहुत ही सुंदर पहेली। श्रोताओं, आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। मेरा सभी श्रोताओं को प्रणाम, बोलो जय श्री कृष्णा। जो भी हमारे नए श्रोता हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, तभी आप हमारा ज्ञानात्मक वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। तो श्रोताओं, अब हम श्रीमान गजराज सिंह चौधरी के कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। बाप को बहन ब्याही, बेटा को बिटिया, और नाती के विवाह में मच गई लुटिया। तो श्रोताओं, ये प्रसंग उस समय का है, इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर कथा छिपी हुई है। पहले मैं ये कथा आपको विष्णु पुराण से सुना देता हूँ। तो श्रोताओं, आपको पता होगा कि भगवान श्री कृष्ण का विवाह रुक्मी की बहन रुक्मणी के साथ हुआ। हालांकि उनकी बहुत रानियां थी 16,108, लेकिन जो मुख्य रानी थी, लक्ष्मी का अवतार, वो रुक्मणी जी थी। तो उनसे प्रद्युम्न जी पैदा हुए, उनका पुत्र प्रद्युम्न हुआ, और प्रद्युम्न का भी एक पुत्र और था जिसका नाम अनिरुद्ध था। तो श्रोताओ, ये थोड़ी सी कथा हम आपको पढ़ के सुना रहे हैं। महावीर प्रद्युम्न रुक्मी की सुंदरी कन्या को, और उस कन्या ने भी भगवान के पुत्र प्रद्युम्न जी को स्वयंवर में ग्रहण किया। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का विवाह जो रुक्मी था उसकी पुत्री के साथ हुआ। उससे प्रद्युम्न जी के अनिरुद्ध नामक एक महाबलशाली पुत्र हुआ, जो युद्ध में रत अर्थात कभी प्रत्याहत अर्थात युद्ध में कभी ना थकने वाला, ऐसा बालक था अनिरुद्ध। तो श्रोताओं, उसके लिए भी भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मी की पौत्री का वरण किया। पौत्री का मतलब नातिन कह सकते हैं हम, नातिन बोलते हैं, नाती नातिन या पोता पोती। तो पौत्री का भी वरण कर लिया, और रुक्मी ने कृष्णचंद्र से ईर्ष्या रखते हुए भी अपने दौहित्र को अपनी पौत्री देना स्वीकार कर लिया। तो श्रोताओ, इसके पश्चात उसके विवाह में सम्मिलित होने के लिए भगवान श्री कृष्ण के साथ बलभद्र अर्थात बलदाव जी भी गए। जब प्रद्युम्न पुत्र महात्मा अनिरुद्ध का विवाह संस्कार हो चुका, तो कलिंगराज आदि राजाओं ने रुक्मी से कहा, ये बलभद्र दूत क्रीड़ा जानते तो हैं नहीं, तथापि इन्हें उसका व्यसन बहुत है, तो फिर हम इन महाबली राम को जुए से ही क्यों ना जीत लें। तब बल के मद से उन्मुक्त रुक्मी ने उन राजाओं से कहा, बहुत अच्छा, और सभा में बलराम जी के साथ द्यूत क्रीड़ा आरंभ कर दी। रुक्मी ने पहले ही दाव में बलराम जी से 1,000 निस्क जीते। श्रोताओं, निस्क उस जमाने की मुद्रा थी, तथा दूसरे दाव में 1,000 निस्क और जीत लिए। तब बलभद्र जी ने 10,000 निस्क का एक दाव लगाया, उसे भी पक्के जुआरी रुक्मी ने ही जीत लिया। हे द्विज, इस पर मूड कलिंगराज दांत दिखाता हुआ जोर से हंसने लगा, और मदोन्मत रुक्मी ने कहा, द्यूत क्रीड़ा से अनभिज्ञ इन बलभद्र जी को मैंने हरा दिया है। ये वृथा ही अक्ष के घमंड से अंधे होकर अक्ष कुशल पुरुषों का अपमान करते थे। इस प्रकार कलिंगराज को दांत दिखाते और
रुक्मी के द्वारा दुर्वैक कहते देख हलायुध बलभद्र जी अत्यंत क्रोधित हुए। तब उन्होंने अत्यंत कुपित होकर करोड़ निस्क का दाव लगाया और रुक्मी ने भी उसे ग्रहण कर उसके निमित्त पासे फेंके। उसे बलदेव जी ने ही जीता और वे जोर से बोल उठे, मैंने जीता। इस पर रुक्मी भी चिल्ला कर बोला, बलराम असत्य बोलने से कुछ लाभ नहीं हो सकता, ये दाव भी मैंने ही जीता है। आपने इस दाव के विषय में जिक्र अवश्य किया था, किंतु मैंने उसका अनुमोदन तो नहीं किया। इस प्रकार यदि आपने इसे जीता है तो मैंने भी क्यों नहीं जीता। उसी समय महात्मा बलदेव जी के क्रोध को बढ़ाती हुई आकाशवाणी ने गंभीर स्वर में कहा, इस दाव को धर्मानुसार तो बलराम जी ने ही जीता है, रुक्मी झूठ बोलता है, क्योंकि वचन ना कहने पर भी कार्य से वह अनुमोदित ही माना जाएगा। तब क्रोध से अरुणनयन हुए महाबली बलभद्र जी ने उठकर रुक्मी जी को जुआ खेलने के पासों से ही मार डाला। फिर पकड़ते हुए कलिंगराज को बलपूर्वक पकड़कर बलराम जी ने उसके दांत, जिन्हें वो दिखलाता हुआ हंसा, सब के सब तोड़ दिए। इनके सिवा उसके पक्ष के और भी जो कोई राज लोग थे, उन्हें बलराम जी ने अत्यंत कुपित होकर एक सुवर्णमय स्तंभ उखाड़ कर उससे मार डाला। उस समय बलराम जी के कुपित होने से हाहाकार मच गया और संपूर्ण राजा लोग भयभीत होकर भागने लगे। हे मैत्रेय, उस समय रुक्मी को मारा गया देख श्री मधुसूदन ने एक ओर रुक्मणी के और दूसरी ओर बलराम जी के भय से कुछ नहीं किया और इसके पश्चात यादवों सहित भगवान श्री कृष्ण सपत्नी अनिरुद्ध को लेकर द्वारका के लिए चले आए। तो श्रोताओं, ये कथा विष्णु पुराण में लिखी हुई है। अब हम आपकी पहेली का जवाब प्रस्तुत करते हैं। बाप को बहन ब्याही, बेटा को बिटिया, ये रुक्मी जी का ही प्रसंग है। रुक्मी की बहन रुक्मणी तो भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्याही थी। बाप को बहन ब्याही, बेटा को बिटिया, और भगवान श्री कृष्ण का बेटा प्रद्युम्न था, उसके लिए रुक्मी ने अपनी बेटी की शादी की और नाती के विवाह में मच गई लुटिया। भगवान श्री कृष्ण के नाती अनिरुद्ध थे, लेकिन उसमें अब लुटिया कैसे मच गई। तो जब अनिरुद्ध की शादी हुई तो रुक्मी जी का वध हो गया, बलराम जी ने रुक्मी का वध कर दिया और इधर उधर के जो राजाओं के लोग थे उन सबका भी वध कर दिया, कोई भी नहीं बचा। तो इस प्रकार से नाती के विवाह में मच गई लुटिया, सब कुछ वहां समाप्त हो गया, रुक्मी का कुछ नहीं बचा, रुक्मी वध हो गया और सब सभी समाप्त हो गए। तो श्रोताओं, हमने जो गजराज सिंह चौधरी शिवपुरी मध्य प्रदेश से हैं, इनके इस कमेंट का जवाब देने का पूरा प्रयास किया है और जवाब लग भी चुका है। ये जवाब यही लगता है, बाप को बहन ब्याही, अर्थात रुक्मी की बहन रुक्मणी थी जो भगवान श्री कृष्ण के लिए ब्याही थी, बेटा को बिटिया, और रुक्मी की जो लड़की थी वो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के लिए ब्याही थी, और उससे जो पुत्र पैदा हुआ अनिरुद्ध, उसके लिए उसकी पौत्री रुक्मी की पौत्री की का विवाह हुआ। ये लिख रहे हैं दूसरी लाइन में, नाती के विवाह में मच गई लुटिया। जब रुक्मी ही नहीं बचा, रुक्मी का वध बलराम जी ने कर दिया, तो फिर कुछ नहीं बचा और इस प्रकार से उसमें सब कुछ समाप्त हो गया। तो श्रोताओं, इस प्रकार से हमने श्रीमान गजराज सिंह चौधरी की पहेली का जवाब प्रस्तुत किया।
अब हम आपसे लेते हैं विदा। बोलो जय श्री राम।